आपके साथ मैं अंकित मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं, जहां पीएम मोदी एमपी के 33 स्टेशनों का आज शिलान्यास करने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ये शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की 133 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का इस मौके पर शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सीहोर से रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। तस्वीरें आज बेहद खास हो जाएंगी इस देश के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रेलवे स्टेशनों का जिनका पुनर्विकास किया गया है, इनके कार्यक्रमों का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीहोर में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के 133 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का इस मौके पर शिलान्यास होने वाला है। मध्य प्रदेश के स्टेशन को लेकर के भी इस योजना के तहत पुनर्विकास इसका किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पूरा पुनर्विकास किया गया है, जिसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें खासतौर पर मध्य प्रदेश के 133 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का आज शिलान्यास किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीहोर से कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पूरा कार्यक्रम होगा देश भर में, खासतौर पर भोपाल में 133 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास इसमें किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम के जरिए आज देश भर के तमाम रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की योजना का एक तरीके से कहें शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों का भी इसमें शिलान्यास होगा भोपाल, तो वहीं 133 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास इसमें आज भोपाल की जनता के नाम कर दिए जाएंगे। तो यानी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन तमाम स्टेशनों का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें भोपाल के 33 स्टेशन शामिल हैं जिनका पुनर्विकास किया गया है। यानी साज सज्जा से लेकर बेहतर सुविधा, बेहतर सुरक्षा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजना के तहत इन तमाम स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। एमपी के 33 स्टेशन इसमें शामिल हैं, बड़ी संख्या में स्टेशनों की शामिल किया गया है, जिसमें 133 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास भी बनाए गए हैं। आधारभूत ढांचे को लगातार बीजेपी मजबूत कर रही है और इसमें भोपाल भी शामिल है। मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ बन गए हैं। नीरज, 33 जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उनका पुनर्विकास हुआ है, कैसे इसको देख रहे हैं, कितनी सुविधाएं इन स्टेशन पर अब मिलने वाली है पहले के मुकाबले, अब क्या तस्वीर इसकी होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अमृत स्टेशन योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत ये सभी जो रेलवे स्टेशन है उनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, रेलवे ओवरब्रिज का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाता था कई जगह रेलवे फाटक होते थे जिसके कारण लंबा जाम जो है देखने को मिलता था, इसके अलावा एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं रेलवे ओवरब्रिज जिस तरह से जो बनाए जा रहे हैं पूरे देश भर में, उससे एक तो जाम से निजात मिलेगी और दूसरा जिस तरह से सौंदर्यीकरण जो स्टेशनों का किया जा रहा है। यदि हम राजधानी भोपाल की बात कर लें तो दो रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, जिस तरह से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसको काफी अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाता है, किसी एयरपोर्ट से कम वो नजर नहीं आता है। इसके अलावा भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है उसका भी लगातार जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। सांस्कृतिक जो है लोगों को संस्कृति से जोड़ने के लिए वहां पर एक अलग ही जो है जगह बनाई गई है जिसको लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त की गई है। लेकिन अब बात की जाए आज के कार्यक्रम की, तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें भोपाल मंडल के लगभग 5 स्टेशन है जिनका जो है आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है लोकार्पण करने वाले हैं। जिस तरह से देखा जाए तो सांची की बात कर ली जाए तो सांची कहीं ना कहीं एक जो है पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां से पर्यटन जो है मध्य प्रदेश में काफी प्रभावित होता है। तो सांची का जो रेलवे स्टेशन है उसका आज वहां पर जो है आरओबी की सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अन्य सौगातें जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बीना रिफाइनरी की बात की जाए तो बीना की अगर बात करें तो वहां पर इंडस्ट्रियल हब है, क्योंकि बीना रिफाइनरी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं आज बीना को लेकर भी जो है बीना रेलवे स्टेशन
का भी कायाकल्प के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। लगभग 238 करोड़ रुपए की सौगातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है रेलवे को देने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी अत्यधिक तरीके से ये रेलवे स्टेशन कुछ समय बाद नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, जो यात्री हैं उनकी सुविधाएं बढ़ेगी। तो तमाम सारे जो आज जिस तरह से मतलब भोपाल रेलवे मंडल की बात की जाए तो भोपाल रेलवे मंडल के 5 स्टेशन चिन्हित किए गए। इसके अलावा पूरे मध्यप्रदेश की बात की जाए तो लगभग 55 स्टेशन रेलवे स्टेशनों का आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से जो है उद्घाटन करने वाले हैं। जी नीरज, आज मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, कैसे क्या कुछ प्रोग्राम उनका रखा गया है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तो आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और सीहोर से वो जुड़ेंगे, क्योंकि सीहोर के पास अजयपुर जो स्टेशन है उसके भी जीर्णोद्धार का जो है कार्य आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसको वहां पर भी जो स्टेशन की सौगात देने वाले हैं, उसके कायाकल्प की सौगात देने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वहां पर मौजूद रहेंगे और सीहोर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जी 133 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास इसमें बनाए गए हैं, तो यानी सहूलियत और सुरक्षा, इस पर कैसे ये स्टेशंस को आप देख पा रहे हैं, इस आधारभूत ढांचे को जो मजबूत किया जा रहा है, सरकार की इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, सबसे अगर किसी जगह का विकास करना है तो वहां पर जो यातायात के जो प्रबंध है वो सुचारू रूप से हो तो कहीं ना कहीं उसका व्यापारिक भी विकास, औद्योगिक भी विकास होता है और पर्यटन जो क्षेत्र कहे जाते हैं उनका पर्यटन के रूप में भी विकास होता है। तो जिस तरह से सांची की हम बात की हमने, तो सांची में जो है आज जो सौगात मिलने वाली है अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात सांची वासियों को मिलने वाली है, बीना वासियों को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं 5 पूरे ऐसे रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। हालांकि रेलवे ओवर ब्रिज इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कई घंटों तक लोग रेलवे फाटक पर जाम में फंसे हुए देखे जाते थे पहले, लेकिन आज देखा जाए तो अधिकांश जगहों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जा चुके हैं और जहां नहीं बने हैं वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा सड़कों की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन के आसपास की सड़कों का भी इसमें सौगात दी जाएगी, अत्याधुनिक वेटिंग रूम बनाए जाएंगे और काफी सारी जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो यात्रियों को उपलब्ध हो सकेंगी। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बेहद बारीकी से समझाते हुए नीरज हमें नजर आए कि क्या कुछ आज ये कार्यक्रम रहने वाला। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, जो खबर शिरूंज से निकल कर आ रही है, जहां 165 सामूहिक विवाह और निकाह कराए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन की व्यवस्था नगर पालिका शिरूंज की तरफ से की गई थी। समूह विवाह की रीति रिवाज के साथ सभी रस्में संपन्न भी की गई, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में निकाह का पंडाल भी लगा था, जहां शरिया के हिसाब से निकाह संपन्न कराया गया। सम्मेलन में सरकार की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 40,000 का चेक भी दिया गया है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी खुशी भी एक तरीके से कहें सरकार की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन की। 165 सामूहिक विवाह यानी जोड़ों को एक दाम्पत्य जीवन में बांधा दिया गया है, बांध दिया गया है, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तस्वीरें हैं ये आपके सामने। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संजय रघुवंशी जुड़ गए हैं। संजय, ये पूरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो रहा, इसमें कितने जोड़ों ने शिरकत की और कितने लोगों को क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहा है, आप हमें बारीक जानकारी जरा दीजिए। ये सिरोंज नगर पालिका द्वारा सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें 165 जोड़ों ने शिरकत की है। इसमें मतलब मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के जोड़ों ने साथ मिलकर विवाह संपन्न हुआ है। प्रशासन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सभी का सामूहिक विवाह करना एक गंगा जमुना तहजीब को भी बढ़ावा देना है। बाकी सरकार की तरफ से
इन दोनों समाजों को सामूहिक रूप से विवाह में सम्मिलित कर एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। वही 49,000 रुपए का एक चेक प्रत्येक जोड़े को दिया गया है, जिसमें वह अपने घर गृहस्थी के सामान को खरीदने के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। वहीं 6,000 रुपए का चेक व्यवस्था के लिए दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी तरह की अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें टेंट से लेकर लोकगीत और जिससे लोगों को ऐसा लगे कि वह बहुत अच्छे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और जो एक बारात में जैसी व्यवस्था की जाती है प्रशासन की तरफ से, हर वो व्यवस्था उन जोड़ों के लिए, उन परिवारों के लिए करने का प्रयास किया गया था। तो तमाम जानकारी संजय रघुवंशी में दे रहे हैं, सिरोंज से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। खबर गुना से निकलकर सामने आ रही है, जहां सैंपलिंग टीम को लेकर व्यापारियों ने आज पुरानी गल्ला मंडी में किराना एसोसिएशन ने बैठक की है। सैंपलिंग को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, सभी की टीमें पहुंच रही हैं, जो वहां टीमें पहुंच रही हैं, घबराहट में बाजार बंद हो रहे हैं। सैंपलिंग को लेकर व्यापारियों का कहना है कि हम निर्माता नहीं हैं, हम सिर्फ विक्रेता हैं, ना ही हमारे पास लैबोरेटरी साथ में रहती है, और हमारा संपूर्ण प्रयास यही रहता है कि हम उच्च गुणवत्ता का माल ही खरीदें। तो जो जांच के लिए आ रहे हैं उन्हें वो सैंपलिंग को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी जानकारी तमाम जो लोग हैं वो देते नजर आ रहे हैं। तो किराना एसोसिएशन ने बैठक की है और सैंपलिंग को लेकर व्यापारियों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है, जो जांच हो रही है। तो उनका कहना है कि सैंपलिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ माल को बेचते हैं और अच्छी गुणवत्ता का ही खरीदते हैं, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है कि हम इन मालों को जांच कर सकें। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां ऑल फैक्ट्री में एसडीएम, तहसीलदार, खाद विभाग की संयुक्त टीमों की कार्यवाही के दौरान ऑयल टंकी में वर्षों से सफाई नहीं हुई यह पाया गया है। फायर सेफ्टी के कोई भी उपकरण नहीं पाए गए हैं, फायर सेफ्टी का लाइसेंस भी नहीं मिला ऑयल फैक्ट्री से। ये तब चीजें हैं जो सारी चीजें ताक पर रख के काम चलता रहा। ऑयल पुराने टीन और प्लास्टिक के डिब्बों की सफाई करवाकर दोबारा तेल भरकर सप्लाई करा जाता रहा है। जहां पर ऑयल फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का रजिस्टर में कोई भी रिकॉर्ड तक नहीं मिला है। वहीं खाद विभाग ने सैंपल नमूने लिए गए जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू, जो नमूने वहां से उठाए गए हैं उनकी जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने, तहसीलदार साहब ने और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की पूरी टीम ने श्रीजी इंटरप्राइजेज, जो गांधी मार्केट कटनी में एक महोदयनगर साइड में उधर प्लांट है इनका, 10-15 साल से चल रहा है, इसकी जाँच की है और सैंपल लिए हैं। यहाँ पे ये 4 ब्रांड से चीज़ें बेच रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट इनको ऐसा करने का अधिकार तो है, 4 प्रकार के ब्रांड है, लेकिन वो नाम मिसलीडिंग है, तो वो उनके सैंपल लिए गए हैं, तेल के भी, पाम ऑइल और राइस ऑइल के सैंपल लिए गए हैं। और यहाँ पे सुरक्षा के बिल्कुल इंतजाम नहीं दिखे हैं, इसके लिए नोटिस दिया जा रहा है। ऑयल फैक्ट्री में आग लग सकती है, 4-4, 5-5 इंस्ट्रूमेंट सुरक्षा के होने चाहिए, फायर एग्जॉस्टर होने चाहिए, वो नहीं है, रेत नहीं है, और जो लेबर्स हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए और लेबर का रजिस्टर होना चाहिए, और लेबर के लिए पीने का पानी, बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑयल अंदर जाने में पे फिसल रहा था, क्योंकि कोई इंसान गिर सकता है, तो नीचे चलने के लिए बोरे, कंतान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसकी यहाँ कहीं पाई। अगली खबर धार से है, जहाँ पत्नी के शराब पीने की परेशानी से पति ने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पूरी घटना नालछा थाना क्षेत्र के गाँव चोर बावड़ीपुरा की बताई जा रही है, जहाँ रामी बाई शराब पीने की आदी रही हैं। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था, जिसके चलते आरोपी पति राधेश्याम ने पत्नी के सिर पर डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी है। वारदात के बाद बाहर से दरवाज़ा बंद करके फरार हो गया पति। 3 दिन के बाद जब रामी बाई का दामाद घर पहुंचा, तो मृत अवस्था में सांस को देखकर उसकी सूचना नामछा पुलिस से गई। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी पति राधेश्याम को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मोर किराए गांव के निवासी सुभाष मेड़ा के द्वारा दिनांक 22 की रात्रि को थाने पर सूचना की गई थी कि उनकी सास रामीबाई जब वो घर पर गए तो मृत अवस्था में खटिया पे लेटी हुई थी, जिस पर से थाना नालछा पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया।
जांच पर पाया गया कि रामी बाई की हत्या उन्हीं के पति राधेश्याम के द्वारा की गई थी। कारण यह था कि रामी बाई शराब पीने की आदि थी और इसी के चलते दोनों में विवाद हुआ था और आरोपी राधेश्याम ने उसकी पत्नी की गर्दन पर पांव रखकर दोनों हाथों से गर्दन को मोड़ दी और सिर पे लाठी मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात आरोपी मृतका को खटिया पे लेटाकर बाहर की साकल बंद। बिलासपुर आईएमए के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। दो दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तिफरा के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि वर्तमान में बढ़ती बीमारियों के कारण डॉक्टरों की जरूरत भी बढ़ी है और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आईएमए की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे कहा, यह एक ऐसा संगठन है जो चिकित्सा क्षेत्र में जन कल्याण के लिए काम कर रहा है। और इस अवसर पर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आगे कहा, हमारा लक्ष्य चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करना और आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 100% इलाज की सुविधा प्रदान करना है। प्रांतीय अधिवेशन आज संपन्न हुआ है। पिछले दो दिनों में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुति दी है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की जानकारी, हो रहे नए नए प्रयोगों की जानकारी, नए आविष्कारों की जानकारी सभी चिकित्सकों को होती है, एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा और छत्तीसगढ़ में चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने में, चिकित्सकों को और बेहतर चिकित्सा सेवा देने में ये मददगार होगा। छत्तीसगढ़ 19वां छत्तीसगढ़ आईएमए कौन हुआ, वृहद आयोजन हुआ डॉक्टर विनोद तिवारी के नेतृत्व में। टीम में डॉक्टर हेमंत चटर्जी सर, डॉक्टर नितिन जुनेजा और सभी वरिष्ठ लोग थे, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, संदीप तिवारी, अखिलेश देवरस। और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ने बोला कि स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं, चाहे सिम्स की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में उपकरण की व्यवस्था हो, तथा गरीब सर्वहारा वर्ग को आयुष्मान मिलने का हो, उन्होंने आश्वासन दिया कि आयुष्मान से संबंधित सभी विसंगतियाँ दूर की जाएंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।